ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां बेलगाम हुआ शारदा यूनिवर्सिटी का प्रशासन। शारदा यूनिवर्सिटी में डीएम के आदेशों की अवहेलना की गई है। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के छुट्टी होने के बावजूद भी यहां छुट्टी नहीं की गई। छुट्टी के बावजूद छात्रों को बुलाया गया हॉस्पिटल। छात्रों के विरोध के बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं सुन रहा। छात्र इकट्ठा होकर वाइस चांसलर कार्यालय पर जोरदार धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बिगड़े छात्रों के हालात। प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से एक छात्र बेहोश हो गया। शारदा प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके का ये पूरा मसला है। चलिए, शारदा यूनिवर्सिटी के बाहर से हमारे सहयोगी ललित पंडित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललित, जिस तरीके से प्रोटेस्ट बच्चे यहां पर कर रहे थे, डीएम की तरफ से साफ तौर पर आदेश दिया गया था कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी को बंद रखा जाएगा, बच्चों की जिंदगियों को ध्यान में रखते हुए। जिस तरीके से संक्रमण लगातार फैल रहा है, एक छात्र यहां पर बेहोश हुआ है, यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है अपनी सफाई में? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी प्रदर्शन में बड़ी चीज तो यहाँ पर है कि जो शासन प्रशासन का जो आदेश है, जिसमें कि मॉल्स को भी बंद करा दिया गया, सिनेमा हॉल्स को बंद करा दिया गया, वहीं जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है सभी को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर बच्चों को बुलाया जाता है और उसके बाद में शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरे इंतजाम जो उनको करने चाहिए थे उनके द्वारा नहीं किए गए। साथ में जो अभी जो बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से एक बच्चा बेहोश हो जाता है, ये एक हॉस्पिटल होने के बावजूद इनके पास में स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं है। जो हमारे दर्शक है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे को जो छात्र जो आज यहाँ पर बेहोश हुआ था उसको गोद में उठा करके लेके आया जाता है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है लेकिन एम्बुलेंस का स्ट्रेचर नाम की कोई चीज उपलब्ध नहीं थी। एक बड़ी चीज जिस तरह से यहाँ पर आप इसको अस्पताल बता रहे हैं, अस्पताल के पास में जो अपने छात्र है उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है तो दूसरों की क्या सुरक्षा कर पाएंगे, क्या दूसरों को क्या वो उपचार दे पाएंगे? एक बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है जिस तरह से यहाँ पर आज छात्रों के साथ में किया जा रहा है। बिल्कुल ललित, आप वहां पर मौजूद हैं। छात्र जिस तरीके से बेहोश हुए, छात्रों ने कहा कि सैनिटाइजर में पानी मिलाकर हमें दिया जा रहा है, और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आखिरकार ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी? मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, क्या ऐसा हो गया था कि जो इंटर्नशिप कर रहे हैं छात्र, इनको बुलाना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया था और बिना किसी इंतजामात के? क्या छात्रों से कोई बातचीत हो पाई कि क्यों उनको किस इमरजेंसी के तहत में बुलाया गया? मेरे साथ में भी कुछ छात्र मौजूद हैं, मैं उनसे डायरेक्टली उनसे पूछने का प्रयास करता हूं किस वजह से उनको बुलाया गया था। जो आज यहां पर आपको बुलाया गया, जिस तरह से सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी बंद है लेकिन स्पेशली आप लोगों को बुलाया गया, ऐसी क्या इमरजेंसी यूनिवर्सिटी में आ गई थी कि सिर्फ आप लोगों को जबरदस्ती यहां पर बुलाया गया? सर एक्चुअली हम नर्सिंग के बच्चे हैं, हम इंटर्नशिप कर, तो जैसे कि सारे यूनिवर्सिटी को सस्पेंड कर दी गई क्लासेस, वहां सिर्फ लिखा था कि एम्प्लॉयज और स्टाफ आएंगे लेकिन हमें फिर भी बुलाया गया। हमने जब अपने डीन को रिपोर्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप नर्सिंग स्टूडेंट से पूछो, वो आपको छुट्टी देंगे। वहां गए तो उन्होंने बोला डीन के पास जाओ, वहां से एमएस के पास गए। तीन दिन से ये लोग हमें घुमा रहे। आज फाइनली जब हम सुबह के 8 बजे से रजिस्ट्रार का वेट कर रहे और वीसी सर का, 1 बजे उन लोग हमसे मिले और जैसे हम एंटर किए, एंटर करते बोला कि आप लोग को नहीं मिलेगी छुट्टी। तो हमने बोला ठीक है, अगर आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। इफ एनीथिंग विल हैपन टू एनी ऑफ द स्टूडेंट, हु इज गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? दे डायरेक्टली सेड ऑन द फेस, व्हाटएवर इज गोना हैपन यू टू योर हेल्थ, दैट विल बी योर कंसर्न, योर प्रॉब्लम, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वी आस्क्ड शुड वी कीप आवर लाइफ ऑन रिस्क, जैसे क्या इट्स योर प्रॉब्लम, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी आर नॉट गोना गिव यू द हेल्प। ऐसी क्या इमरजेंसी, ऐसी क्या आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया गया? जैसा आप लोगों ने मुझे पहले बताया कि आप लोग नहीं आना चाहते थे, आप लोगों ने कई बार यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसे रिक्वेस्ट भी किया है, तो ऐसा क्या हो गया था यूनिवर्सिटी में कि सिर्फ आप लोगों को बुलाया गया? Do not take the video, do not get in the media. They will not take the student off.
अभी 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 एक छात्र यहाँ पर क्या नाम था उसका, क्या किस वजह से पूछा उसका? प्रणव पुष्पम, बिकॉज सुबह रात को नाइट करके आया, रात के आठ बजे सुबह के आठ तक हॉस्पिटल में था, आठ बजे सुबह यहाँ पे, आठ बजे सुबह यहाँ कुछ नहीं खाया है, पेट क्योंकि यहाँ पे घुमा रहे हैं, हमें मीटिंग है, एक घंटे वेट करो, दो घंटे वेट, और हम डिसेंसी से मैनर्स से सब चीज के वाइस इनका वेट कर रहे हैं, लेकिन जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया, हमें लीगल एक्शन लेके सब लोग को बुलाना पड़ा, उसके बाद यहाँ पेट किया, उसके बाद हम ही है कॉलेज पर, उसके बाद तुम्हें रखा जाएगा, ये लाइन बोली गई है यहाँ पे स्टूडेंट के, जो आगे आ रहे हैं, जो वीडियोस ले रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उससे वो बोल रहे हैं कि मीडिया से 5 मिनट के उसके बाद तुम हमारे अंडर हो, इवन मुझे उन्होंने प्रॉपर बोला है कि तुम्हारा नाम क्या, तुम नाम बताओ मुझे, हम देख लेंगे तुम्हें, और वो बोल रहे हैं कि हमारे कैमरे ऑन करो, हम वहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमारे ना तो कोई वैक्सीनेशन है, ना ही हमें कोई प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ना ही मास्क कुछ भी नहीं है वहाँ पे, जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं कि ना उन्हें स्टाफ में लिया जा रहा है, ना उन्हें छात्रों में लिया जा रहा है, तो आखिरकार उनको किस बेसिस पर यहाँ पर बुलाया गया, ये भी बड़ा सवाल है। उसके बाद प्रशासन ही कहता है कि आप हमें लिखित में दीजिए, हम आपको छुट्टी दे देंगे, लेकिन जब सरकार प्रशासन डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया है, तो क्या तानाशाही शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से चल रही है कि आपको आकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, आपको हम पैसे भी नहीं देंगे, आप हमारे छात्र भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर प्रॉपर हिटलर शाही यहाँ पर देखी जा रही है। देख सकते हैं एक छात्र और जो यहाँ पर प्रदर्शन के सामने थी, ये पिंकी बेटी है, हर फेरी को कहते हैं बिल्कुल। चलिए हमारे साथ में बने हुए ललित, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक छात्रा यहां पर बेहोश हो गई है, इन तस्वीरों के जरिए ही आप संवेदनहीनता यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों को बुलाया गया यहां पर काम करने के लिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन उनको यहां पर नहीं दिया गया, जब छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे हैं तो सीधे तौर पर उनके खिलाफ में एक्शन की भी बात यूनिवर्सिटी की तरफ से कही जा रही है। लगातार सुबह 8 बजे से बैठे हुए, 1 बजे प्रशासन की तरफ से इनसे मुलाकात की जाती है, बिना खाए पिए यहां पर बैठे हुए हैं, और इससे पहले भी एक छात्र बेहोश हो चुका है, छात्रा यहां पर बेहोश हुई है। ललित हमारे साथ बने हुए, ललित आवाज मिल रही है, तो प्लीज आप देखिए और आखिरकार क्या आसपास में एम्बुलेंस भी नहीं है कि छात्रा को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, जिस तरीके की तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ में और अभी उनके जिंदगी के साथ में पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ एक तो इनकी मनमानी चल रही है, छात्रा पर ये जो गेट के अभी छात्राओं कर दिया है, इनको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, साथ में ना ही यहाँ पर कोई इनके पास में एम्बुलेंस उपलब्ध है, जिस तरह से अभी पहले एक छात्र बेहोश हो गया, उसके बाद में कोई प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पर इनको लेने चाहिए थे, लेकिन कोई इस तरह का कोई इंतजाम इनकी तरफ से नहीं किया गया। अभी एक दूसरी छात्रा जो कि यहाँ पर खड़ी थी और ऑन कैमरा लाइव यहाँ पर अभी बेहोश हो गई है, जिसको साफ तौर पर हमारे दर्शक अभी देख सकते हैं, उसके लिए भी अभी तक यहाँ पर कोई जो एम्बुलेंस का इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। और साथ में एक बड़ी चीज की, अभी तक यहाँ पर जब शारदा यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया, जो इसमें कोई इस
छात्र की मदद कर सके। सिर्फ जो छात्र है वही अपनी तरफ से प्रयास करने में यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पर जो इंतजाम जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से करने चाहिए थे वो कोई भी यहाँ पर इंतजाम इनकी तरफ से नहीं देखने को मिल रहे हैं। नहीं बिल्कुल ललित, ये संवेदनहीनता की हदें यहाँ पर पार हो चुकी है। छात्र यहाँ तस्वीरें जाहिर तौर पर हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो बेहोश है, यहाँ पर होश में अभी तक नहीं आई है। बच्चे लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं, तमाम छात्र बीमार हो रहे हैं ऑलरेडी, इस तरीके से वायरस फैला हुआ है, उसके बावजूद भी बच्चों को इतना ज्यादा प्रताड़ित आखिरकार क्यों किया जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन को किसी प्रकार का डीएम तक एसपी तक किसी को भी जिम्मेदार अधिकारी तक की बात पहुंचाई गई है? क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर अभी देखा गया है दो छात्र यहाँ पर जो बाहर प्रदर्शन में शामिल थे वो दोनों के दोनों बेहोश हो गए, लेकिन जैसा अभी देखा है इस छात्र को भी ना ही तो यहाँ पर कोई स्ट्रेचर उपलब्ध है, अस्पताल के नाम पर सिर्फ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, ना ही तो यहाँ पर स्ट्रेचर है ना ही कोई एम्बुलेंस है। अगर आपके पास में अस्पताल है उसमें जो छात्र है उनकी अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो बाहर से आने वाले पेशेंट्स के साथ में आप क्या क्या नहीं करते होगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी के ऊपर खड़ा होता है। नहीं बिल्कुल, और ललित इससे पहले भी शारदा यूनिवर्सिटी के ऐसे ही तमाम कृत्य देखे गए हैं, आखिरकार किसकी शह है, किस वजह से कि डीएम एसएसपी और सरकार तक के आदेशों की अवहेलना कर देते हैं, जबरदस्ती बच्चों को बुला लेते हैं और कहते हैं कि आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आखिरकार किस दम पर इतना बड़ा एक्शन ये लेते हैं कि पूरे राज्य में इस तरीके का ऐलान किया गया कि यूनिवर्सिटी कॉलेज हर चीज बंद की जाएगी, तो सरकार से भी बड़ी क्या शारदा यूनिवर्सिटी हो चुकी है ये मान ले यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज यहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है उसको देखकर के साफ तौर पर यही लग रहा है कि सरकार और जिला प्रशासन शारदा यूनिवर्सिटी के सामने ठगने नजर आते हैं। वो बहुत छोटी चीजें हैं शारदा यूनिवर्सिटी के सामने, क्योंकि जिस तरह से शारदा यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रही है, किसी की उसको किसी के आदेशों की उसको फिक्र नहीं है, जैसा वो चाहते हैं वैसा अपने हिसाब से कर रहे हैं। छात्रों को जबरदस्ती यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है, उनसे छात्रों के द्वारा मना भी किया जाता है फिर भी उनको जबरदस्ती यहाँ पर बुला करके उनसे यहाँ पर काम कराया जाता है, साथ में जो उनको इक्विपमेंट जो अरेंजमेंट जो उनको करके देने चाहिए थे वो अरेंजमेंट नहीं करके दिए गए हैं। एक बड़ी चीज जो यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, और ऊपर से एक छात्रा ऑन कैमरा अभी आपको आपसे ही बात करते समय बता रही थी कि मेरा नाम पूछा गया मुझसे और कहा गया कि हम देख लेंगे तुमको, मतलब सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है छात्रों को कि अगर आप हमारे खिलाफ में कुछ बोलेंगे तो हम देख लेंगे आपको। ऐसी कौन सी जोर जबरदस्ती के साथ में ये बच्चे इंटर्नशिप वहां पर कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या जोर जबरदस्ती है? क्या आप बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? आप इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी महामारी पूरे देश में पूरी दुनिया में इनफैक्ट फैली हुई है, तो क्या उस बात का कोई ख्याल नहीं है या बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत इनके सामने नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है कि जो छात्र कैमरे के सामने आकर के बोलते हैं अपने आप को जो अपनी परेशानी है वो कैमरा पर बताते हैं, तो उनके साथ में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है और उनको अलग थलग कर दिया जाता है। कई बार छात्रों के द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसे छात्र भी हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ बोलने की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्या सबके सामने रखी इस वजह से उनको फेल कर दिया गया। इसी तरह से छात्र भी हैं, छात्र भी डरे हुए हैं, इनके अंदर भी यही डर है कि अभी जो उन्होंने कैमरे के सामने आकर के अपनी समस्या सभी के सामने बताई है, जो मीडिया के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी है, उसके चलते हो सकता है उनको सस्पेंड कर दिया जाए या उनको यहाँ से जो जो अभी वो एग्जाम दो उस एग्जाम का उनको फेल कर दिया जाए। जी बिल्कुल, ललित ये भी समझना चाहेंगे कि शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी अधिकारी का या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट आया है कि इतना बड़ा बवंडर यहाँ पर मच गया, छात्र लगातार बेहोश हो रहे हैं, गेट को बंद कर दिया गया है, तो अभी उनका स्टैंड है क्या आखिर में? जी बिल्कुल, मैंने कई बार यहाँ पर जो शारदा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का प्रयास किया है, मुझे बार पांच पांच मिनट का समय बता करके बोला जा रहा है कि पांच मिनट में अधिकारी आएंगे, वो आकर के अपना वर्जन देंगे, जो समस्या है उस पर कोई ना कोई सॉल्यूशन छात्रों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनके पांच मिनट हुए। पिछले तीन घंटे से मैं भी यहाँ गेट से बाहर उनका इंतजार कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि उनका एक वर्जन मुझे मिल सके जिससे जो चीजें हैं जो स्थिति है वो क्लियर हो सके। क्या बिल्कुल, देखिए ललित वर्जन दे रहे शायद ही वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर जाहिर है कि वो यहाँ हिटलरशाही करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएम के आदेशों की अवहेलना की, सरकार के आदेशों की अवहेलना की, छात्र लगातार बेहोश हुए, छात्रों को धमकी दी जा रही है, छात्रों की जिंदगी से शारदा यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरीके से आप तीन घंटे से इंतजार कर रहे हैं, बच्चे आठ बजे से इंतजार कर रहे हैं, तो अब ऐसा लगता नहीं है कि वो आकर अपना वर्जन कभी यहाँ पर देंगे, क्योंकि तानाशाही जाहिर उनकी चल रही है। फिलहाल आप लगातार बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि वर्जन मिल पाए, ये भी हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी आपदा थी कि यूनिवर्सिटी को जबरन बच्चों को यहां पर बुलाना पड़ा है। तो आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
वहीं भारत में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, तमाम संक्रमित लोग लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें ये बड़ी खबर, भारत में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, आंकड़ा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 117 हो चुकी है। भारत में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से। भारत में अब तक 13 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। देश के कई राज्यों में स्कूल सिनेमा हॉल्स को बंद किया गया है। पुणे में कोरोना वायरस के चलते धारा 144 भी लागू की गई है। तो यूपी में कोरोना की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए यूपी का पूरा अपडेट देते हैं। यूपी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 13 हो चुकी है। यूपी में अब तक 153 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण देखे गए हैं। आगरा में 8, गाजियाबाद में 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लखनऊ में 2 और नोएडा में 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1184 लोगों को 28 दिन के ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। कोरोना प्रभावित 12 देशों से अब तक 3,386 लोग उत्तर प्रदेश लौटे हैं। यूपी के हवाई अड्डों पर अब तक 20,163 लोगों की जांच की गई है। तो जैसे जैसे कोरोना वायरस का खौफ लोगों के अंदर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही बाजार में सैनिटाइजर और मास्क की कमी बेहद हो चुकी है। ऐसे में कुछ लोग मोटा मुनाफा कमाने के फेर में लगे हैं, जिसके चलते थाना कवी नगर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक नकली सैनिटाइजर बनाए जाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने करीब 10 लाख की कीमत का सैनिटाइजर और सैनिटाइजर बनाए जाने वाला अन्य केमिकल समेत भारी मात्रा में प्लास्टिक के बॉटल भी बरामद की है। दरअसल गाजियाबाद की थाना कविनगर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि थाना कविनगर इलाके में गांव बमहेटा में स्थित एक मकान में अंदर फर्जी सैनिटाइजर बनाए जाने की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद ही छापेमारी करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कविनगर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर जो है, इनकी संयुक्त टीम द्वारा एक सूचना प्राप्त होने पर वहां पर छापा डाला गया था। इसमें भारी मात्रा में अगर हम बरामदगी की बात करें तो 900 लीटर बनावट सैनिटाइजर, 600 लीटर एल्कोहल, 20 लीटर ग्लिसरीन और इसी तरह 35,000 प्रिंटेड लेबल जो प्रचित पाए गए, प्लास्टिक की बोतलें, ढक्कन और सैनिटाइजर बनाने का उपकरण, जिसमें भी जो केमिकल है उसको भी अभी तस्दीक करना है कि वास्तव में ये केमिकल क्या है, एल्कोहल है जो और है। इसकी पूरी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई थी और इसमें 4 अभियुक्त हैं, इनको मौके से गिरफ्तार किया गया। अतुल, विकास, विवेक और सुनील, ये एक गाजियाबाद का, एक फरुखाबाद, एक औरैया और एक मथुरा के रहते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।